फ्रेंड्स कर दीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हाँ अरे मेरे फोन में चार्ज नहीं है, चार्ज करना है। अरे हाय बाप रे, इसमें तो करंट लगता है, स्विच करके देखती हूँ। अरे करंट लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया, अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन, हाँ राजू इलेक्ट्रिशियन को बुला लेती हूँ। हेलो राजू जी इलेक्ट्रिशियन जी। हाँ मैडम जी बोलिए जी। राजू आप घर पे आ जाइए ना। ठीक है मैं आता हूँ मैडम, क्या तकलीफ है पहले बताइए। अरे राजू बहुत करंट लगता है। कहाँ करंट लगता है? मेरे स्विच बोर्ड में प्लग खराब हो गया है, आप आ जाइए ना, बार बार छूने से करंट लगता है बार बार। ठीक है मैडम मैं अभी आया। ठीक है आप जल्दी आ जाइए और इस करंट के बारे में देखिए, चेक करिए करंट कहाँ से लगता है। ठीक है मैडम। ठीक है आ जाइए जल्दी। हाँ मैं अपना पूरा सामान लेकर आता हूँ। हाँ अपना सामान साथ में लेकर आना, भूलना मत। जी हाँ ठीक है। हाँ चलो बाहर आए। अरे राजू आप आ गए। जी मैडम। देखिए ना बहुत करंट लगता है। हाँ अरे राजू आप यहाँ क्या देख रहे हो, करंट यहाँ लगता है, यहाँ नहीं यहाँ। अच्छा हाँ यहाँ करंट लगता है। यहाँ देखो ना, आपको भी लगा ना। मैडम आप फिकर मत कीजिए, मैं अभी आपका करंट दूर कर देता हूँ। अच्छा हाँ तो फिर करिए ना चेक। हाँ हो रहा है। हो गया मैडम हो गया, डालने की देरी है। राजू जी हाँ मैडम। देखिए ना। हाँ देख ही रहा हूँ। अरे यहाँ नहीं यहाँ। ओ यहाँ। अरे लीजिए मैडम। हो गया। अपने में डालिए। क्या डालू? मेरा मतलब ये केबल अपने मोबाइल में डालिए। अच्छा वैसा बोलो ना राजू। आप क्या समझी मैडम? छोड़ो मैं तो कुछ और ही समझी। चलो अब धीरे धीरे से डाल रही हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना। अरे आप डालती जाइए, होगा तो मैं बता दूंगा आपको। डालने से करंट नहीं आएगा ना? अरे करंट नहीं आएगा, मजा आएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, ये डाल हो गया राजू जी। चलिए आइए ना लेटते हैं। क्या मैडम? मेरा मतलब है कि बैठते हैं। ओ बैठते हैं। हाँ आइए ना। आइए मैडम आइए। आइए राजू जी। जी मैडम आइए बैठिए। बैठिए राजू जी, अब बताइए क्या लोगे आप? अरे छोड़िए ना मैडम, बोलते सब है मगर देती कोई नहीं। क्या? कुछ नहीं, आप जल्दी से अपना निकालिए। क्या निकालूं मैं अपना? अरे मैडम पैसे निकालिए ताकि मैं अपना निकालूं। क्या निकालने की बात करते हो राजू? अरे मैडम मेरा मतलब मैं अपना पर्स निकालूं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। वैसे राजू जी एक बात पूछूं? पूछिए ना मैडम। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल की है। 30 साल? हाँ? उतने तो लगते नहीं हम। हाँ मैडम मैं जिम करता हूँ इसलिए पता ही नहीं चलता उम्र का। मुझे तो लगता है 20 है 20। अच्छा मैडम आप कितने साल की है? मैं तो 20 साल की हूँ। अच्छा मैडम आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो एकदम कच्ची कली हूँ। अच्छा लेकिन आपकी हो गई? नहीं मैडम मेरी भी नहीं हुई है। अरे राजू जी आपकी शादी क्यों नहीं हुई? मैडम आपके जैसी कोई मिली नहीं ना इसीलिए। अच्छा हाँ। आपको मेरे जैसी चाहिए? हाँ मैडम मुझे तो बिल्कुल आपके जैसी ही चाहिए।
आपको मेरे जैसी क्यों चाहिए? मैडम, आपके अंदर जो अदा है ना, वो दूसरी किसी में नहीं है। अच्छा, आपको मेरी अदाएं पसंद है? हाँ मैडम। उसमें क्या क्या पसंद है बताइए ना मैडम। हाँ। आपने आपका ऐसी तरह से मेंटेन करके रखा है पूरे बॉडी को। हाँ। मन करता है क्या करता है देखते जाऊं। हाँ राजू जी, फिगर तो मेंटेन रखना पड़ता है। हाँ मैडम, रखना तो पड़ता है। हाँ। पर मैडम, किसके लिए? उसके लिए जो बहुत खास होता है। क्या मैडम, मैं खास हूँ आपके लिए? हाँ राजू जी, आप बहुत खास हो मेरे लिए। अरे मैडम, मैं क्यों खास हूँ आपके लिए? क्योंकि वो आप हो जिसने मेरे इस अंधेरे जीवन में आकर रोशनी डाली है। खास मैडम, आपके यहाँ रोज बिजली चली जाए और रोज मैं आऊं और आके आपको डाल दूं। अरे क्या डाल दो राजू? मैडम, आपकी अंधेरी जीवन में रोशनी डाल दो। अच्छा, तुम रोशनी की बात कर रहे हो? हाँ। आप क्या समझी मैडम? अरे राजू, मैं तो कुछ और ही समझी। अच्छा मैडम। हाँ, वो तो तुम्हें ही रोज आकर डालना पड़ेगा ना। हाँ मैडम। मैडम, आपका नंबर मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, लिख लो 28 36 28। ये तो बहुत नया नंबर, अलग नंबर है। हाँ। क्या अभी निकला है मैडम? नहीं, ये लैंडलाइन नंबर नहीं है। तो मैडम, ये मेरी बॉडी का नंबर है 28 36 और 28। कैसा लगा राजू? 26 38 26, क्या नंबर है मैडम आपका? है ना, इसे बहुत संभालना पड़ता है। हाँ मैडम, क्या मेंटेन करके रखा है, मन करता है इसे छू लूं। नहीं नहीं राजू, इतनी आसानी से नहीं छू सकते। तो मैडम, कैसे छू सकता हूँ इसे? इसे छूने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैडम, मैं कोई भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बताइए क्या करूँ मेहनत? पहले तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। अरे मैडम, आपको खुश करने के लिए मैं कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हाँ मैडम। ठीक है राजू, अब देखो घर में बहुत सारा काम पड़ा है, मैं काम कर लेती हूँ। चलिए मैडम, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। क्या हुआ मैडम? मुझसे तो काम होगा ही नहीं राजू। क्यों, क्या हुआ मैडम आपको? बहुत कमर में दर्द है, देखो ना। अच्छा, तो मैडम एक काम कीजिए। हाँ? आप आराम कीजिए, आज आपका का सारा काम मैं खुद कर देता हूँ। आप करते हैं? हाँ मैडम। कर दीजिए ना। ठीक मैडम। आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। अरे मैडम, कहाँ काम करना है बताइए। देखिए वहाँ किचन में काम रखा है, कर दीजिए ना। ठीक है मैडम, मैं कर देता हूँ सारा काम। ठीक है। लीजिए मैडम, आपका सारा काम हो गया, सारा काम कर दिया। अरे राजू, तुम तो पूरे गीले हो गए। हाँ, वो सब कपड़े बर्तन सब इसके कारण गीला हो गया। अरे राजू, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें दूसरा टी शर्ट देती हूँ। अरे नहीं मैडम, चलेगा, ये तो सूख जाएगा अभी। अरे आओ ना अंदर, दूसरा टी शर्ट देती हूँ, चलो वो पहन लो। ठीक है मैडम। आओ राजू, आओ बैठो यहाँ, मैं टी शर्ट देती हूँ। ये लो राजू, चेंज कर लो, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। Thank you.
राजू जी मैडम, तुम तो बहुत ठंडे हो गए हो। वो क्या सब काम किया ना इसके कारण। हाँ बैठो यहाँ। जी मैडम। राजू तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हें अभी गर्म कर देती हूँ। मैडम अब छूती है तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है अंदर से। अच्छा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम्हें अभी से कुछ कुछ होने लगता है। जी मैडम, पता नहीं आपके अंदर क्या जादू है। अच्छा सो जाओ, मैं गर्म करती हूँ तुम्हें। मैडम हेलो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत मजा आ गया। आपको आया? आपको भी आया तो फिर जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना। हम आगे जाके और भी डबल मीनिंग वीडियोस आपके लिए लाएंगे। हम खुद भी मजा करेंगे और आपको भी कराएंगे। कर दीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हाँ।